Okay, class sixth, as we all have read about the model and auxiliaries, I told you that there are the words, those helping verbs which express the mode or manner of action denoted by the verb are called the model auxiliaries. Okay. And I told you that there are 13 model auxiliaries here: may, might, can, could, will, would, shall, should.

लेट सी दर्स्ट पॉइंट ए वन मे एक्सप्रेस परमिशन मे इज फॉर्मल देन कैन ओके मे परमिशन एक्सप्रेस करता है इफ़ वी हैव टू आस्क फॉर परमिशन ठीक है या फिर वी हैव टू इफ वी हैव टू गिव परमिशन और वी हैव टू टेक द परमिशन देन वी यूज मे हम मे का यूज़ करते हैं परमिशन लेने या फिर किसी को परमिशन देने के लिए हियर इट इज रिटन इन द नोट मे इज़ मोर फॉर्मल देन कैन एज हेयर यू हैव रेड इन कैन में आपने पढ़ा था कैन इज़ लेस फॉर्मल देन मे मीन्स फॉर्मल का मतलब ये होता है कि हम ज़्यादातर यूज़ किसका करते हैं मे का यूज़ करते हैं कैन का यूज़ हम ज़्यादा नहीं करते हैं हीयर इन दिस पॉइंट यू कैन सी मे इज़ मोर फॉर्मल देन कैन मीन्स मे का यूज़ हम कैन से ज़्यादा करते हैं इफ़ यू पीपल आस्क फॉर समथिंग अगर आप लोग किसी चीज के लिए पूछते हो दैट मे आई गो आउटसाइड लाइक दिस तो इस तरीके से मे का यूज ज्यादा करते हैं दैट्स वाई मे इज मोर फॉर्मल देन कैन नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स एज आई टोल्ड यू मे एक्सप्रेस परमिशन मे परमिशन को एक्सप्रेस करता है सो लेट्स द एग्जाम्पल यू मे कलेक्ट यूर नोटबुक्स हेयर इट इज हेयर परमिशन इज बींग गिवन परमिशन किसी को दिया जा रहा है टू कलेक्ट नोटबुक्स नोटबुक कलेक्ट करने के लिए परमिशन दिया जा रहा है किसे यू जो सेकेंड पर्सन है उसे परमिशन दी जा रही है इफ़ आई एम सीइंग दैट यू मे गो तुम जा सकते हो यू मे गो नाउ तुम अब जा सकते हो तो आई एम गिविंग द परमिशन टू समन लाइक इन द सेकेंड एग्जाम्पल यू पीपल कैन सी हियर इट इज

नेक्स्ट पॉइंट इज मे एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी मे पॉसिबिलिटीज़ को भी एक्सप्रेस करता है किसी चीज़ के होने की अगर संभावना है तो मे का यूज़ किया जाता है लाइक एग्ज़ाम्पल इट मे रेन इट मे रेन दिस इवनिंग मीन्स बारिश होने की बात की जा रही है कि इस मीन्स शाम को बारिश हो सकती है हो सकती है इससे ये आपको पता चल रहा है कि हम किसी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं

विथ लिखा हुआ है, here विल बी विश यहाँ पे विश होगा डब्ल्यू आई एस एच इट विल बी टी एच लिखा हुआ है ओके विश की बात की जा रही है अगर किसी विश के बारे में बात किया जाता है देन वी यूज़ मे ओके लाइक मे ही लिव लॉन्ग ओके मे ही गेट वेल soon, मे गॉड ब्लेस यू तो ये सारी चीज़ें इनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं मे का यूज़ करते हैं हियर इन द एग्जाम्पल्स यू कैन सी दैट मे ही लिव लॉन्ग मे शी हैव गुड हेल्थ तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है विश किया जा रहा है ठीक है कि uh, किसी के किसी के लिए विश अगर हम करते हैं तो हम मे का यूज़ करते हैं सो इन दिस इन दिस पॉइंट्स वी अंडरस्टुड दैट वेयर वी यूज़ मे वी मे वी यूज़ मे टू एक्सप्रेस परमिशन परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं टू गिव एंड टेक परमिशन नेक्स्ट वी यूज़ मे फॉर द पॉसिबिलटीज़ अगर किसी चीज़ की होने की संभावना है तो मे का यूज़ करते हैं नेक्स्ट मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ विश किसी भी विश को एक्सप्रेस करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं ना अवर्ड नेक्स्ट मॉडल इज वुड नाउ वेयर वी यूज़ वुड वुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं वुड इज़ यूज एज द पास टेंस ऑफ विल और श इनडायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम विल के जगह पर वुड का यूज़ करते हैं डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच में किसी भी चीज़ को डायरेक्टली कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में अगर कोई आ, अदर पर्सन किसी को इनडायरेक्ट वे में किसी के बारे में बताता है उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं सो इन द इनडायरेक्ट स्पीच वी यूज़ वुड इंस्टेड ऑफ विल विल की जगह पे हम किसका यूज़ करते हैं विल का वुड का यूज़ करते हैं हियर इन द एग्जांपल्स यू कैन सी दैट इन द डायरेक्ट स्पीच इट इज इट हैज बीन गिवेन दैट ही सेड आई विल लुक इन द मैटर उसने कहा कि मैं देख लूँगा ओके okay?

would is used to express a habitual activity in the past ठीक है अगर कोई habitual activity है कि ये काम होता है ठीक है होता था habitual activity की ये चीज़ होती ही थी तो हम किसका use करते हैं would का use करते हैं और past tense की बात होती है then once every week once every week he would go for a swim in the sea वंस एवरी वीक ही वुड गो फॉर अ स्विम इन द सी मीन्स हफ्ते में एक बार वो जाता था कहाँ पे स्विम swim, स्विमिंग के लिए इन द सी नेक्स्ट एवरी मॉर्निंग गांधी जी वुड गो फॉर अ लॉन्ग वॉक मीन्स गांधी जी हर सुबह एक लंबे वॉक के लिए जाते थे ओके इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ही वुड गो फॉर ही वुड गो फॉर राइडिंग ओके एवरी मॉर्निंग मीन्स वो राइडिंग के लिए जाता था हर सुबह वो राइडिंग के लिए जाता था ओके सो हियर वी कैन से दैट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनी हैबिचुअल एक्टिविटी अगर हम किसी हैबिचुअल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे होते हैं एंड इन द पास्ट देन वी यूज वुड इन दैट सेंटेंस नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ वुड वुड का नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं द सी वन हियर इट इज द सी पॉइंट इज वुड विथ रेदर इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ विश और प्रेफरेंस वुड का यूज़ हम रेदर के साथ करते हैं अगर हम किसी से प्रेफरेंस पूछ रहे होते हैं ठीक है कि उसे ये चीज़ चाहिए या नहीं या फिर किसी को हाँ प्रेफर कर रहे हैं अगर हम किसी को बता रहे हैं कि लाइक हियर आई वुड रेदर स्टार देन बैग होगा यहाँ पे बैग मीन्स भीख मांगना ठीक है आई वुड रेदर स्टार देन बैग स्टार मीन्स होता है भूखा रहना ठीक है मैं भूखा रह जाऊंगा मीन्स भीख मांगने से बेटर ये कि मैं क्या करूँ भूखा रह जाऊँ आई वुड रैदर स्टार्ट देन बैग तो यहाँ पे प्रेफरेंस की प्रेफरेंस बताई जा रही है कि मैं भूखा रहना ज़्यादा प्रेफर करूँगा भीख मांगने से ज़्यादा मैं भूखा रहना प्रेफर करूंगा सो हियर दैट्स वाई वी आर यूजिंग वुड विद द विथ रैदर रैदर के साथ हम वुड का यूज़ कर रहे हैं सो दिस वॉज अबाउट ऑक्सिलरी वुड दैट वी यूज़ वुड टू वुड इज़ यूज एज द पास टेंस ऑफ विल विल के पास टेंस के लिए यूज करते हैं एंड सेकेंड थिंगज की हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है एंड द थर्ड थिंग इज दैट वी यूज वुड विथ रैदर टू यूज टू इज यूज टू एक्सप्रेस अ विश और अ प्रेफरेंस नेक्स्ट है आपका शुड ना वेयर वी यूज शुड शुड का यूज हम कहाँ पर करते हैं हियर यू कैन सी शुड इज़ यूज एज द पास्ट टेंस ऑफ शेल इन द इन डायरेक्ट स्पीच जैसा कि मैंने आपको बताया अभी विल के बारे में कि विल को हम यूज़ करते हैं वुड को हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस ऑफ विल लाइक दैट ओनली वी यूज़ वुड शुड इन द पास्ट टेंस ऑफ शैल शेल के पास्ट टेंस के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं इन द इन डायरेक्ट स्पीच सो लेट सी डायरेक्ट स्पीच

द वर्कर्स शैल की जगह पर क्या हो जाएगा शुड हो जाएगा ओके शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑन मंडे ही सेट दैट द वर्कर्स शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑन मंडे ओके मीन्स उसने कहा कि जो वर्कर्स है वो क्या करेंगे मीन्स ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे कब मंडे को ओके नेक्स्ट इज इन दिस वे वी कैन यूज द मॉडल शुड शुड का यूज़ हम कर सकते हैं इन द पास्ट टेंस ऑफ शैल इन द इनडायरेक्ट स्पीच नेक्स्ट वन इज़ आवर बी पॉइंट शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एडवाइज़ शुड का यूज़ हम किसी एडवाइस के लिए भी करते हैं यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज तुम्हें रेगुलर एक्सरसाइज लेनी चाहिए और यू कैन से यू शुड वर्क हार्ड तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए ओके okay? लाइक हीयर नेक्स्ट पॉइंट इज़ शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी अगर कोई लॉजिकल नेसेसिटी होती है ठीक है मीन्स ज़रूरत होती है तब भी हम शुड का यूज़ करते हैं लाइक एग्जाम्पल यू कैन सी दे शुड दे शुड बी होम बाय नाव मीन्स उन्हें घर पर होना चाहिए अब तक ठीक है बाई नाव सो so हियर यहाँ पे कोई लॉजिकल नेसेसिटी बताई मीन्स उन्हें मीन्स ये बताया जा रहा है कि उन्हें अब तक घर पे होना चाहिए तो ये इसमें एक लॉजिक है कि बताया जा रहा है कि हाँ यहाँ पे नेसेसिटी है एंड देर इज अ लॉजिक दैट दे शुड बी एट दे शुड बी होम बाय नाउ मीन्स अब तक तो वो घर पे होंगे ठीक है आगे होंगे नेक्स्ट हीयर

इन डायरेक्ट स्पीच जैसे कि मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे कि शेल विल का यूज हम वुड विल की जगह पे वुड का यूज़ करते हैं शेल के जगह पे हम शुड का यूज़ करते हैं लाइक दैट ओनली इन द प्लेस ऑफ मे वी यूज माइट मे के जगह पे हम माइट का यूज करते हैं सो लेट्स सी हियर द एग्जांपल्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट स्पीच ही सेड ही मे कम टू डे उसने कहा कि वो आ सकता है मीन्स आज वो आ सकता है तो यहाँ पे मे का यूज किया गया है लाइक देन वाइल चेंजिंग इट इन टू द इनडायरेक्ट स्पीच वॉट वी विल डू ही सेड कॉमा को रिमूव करके दैट ही सेड दैट ही मे के जगह पर माइट हो जाएगा ही माइट कम दैट डे वो उस दिन ये पास टेंस की बात बताई जा रही है दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर दैट डे टुडे आपका दैट डे हो जाएगा क्योंकि ये वी आर टॉकिंग अबाउट द पास टेंस नेक्स्ट वन इज माइट माइट इज़ यूज टू एक्स माइट बी पॉइंट इज माइट इज यूज टू एक्सप्रेस द लीस्ट पॉसिबिलिटी अगर बहुत किसी भी चीज़ के होने की बहुत कम संभावना होती है ओके देन वी यूज़ माइट अगर तब हम माइट का यूज़ करते हैं Means very less possibility, least possibility might use like कैन सी इट माइट रेन टू नाइट मीन्स रात में बारिश हो सकती है तो यहाँ पे आपका ये बताया जा रहा है कि मीन्स बारिश हो सकती है लेकिन इतनी ज़्यादा उसकी संभावना नहीं है वे देर इज़ वेरी लीस्ट पॉसिबिलिटी बहुत कम संभावना है दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर माइट नेक्स्ट वन इज सी वन माइट इज यूज टू आस्क फॉर परमिशन माइट का यूज भी हम करते हैं परमिशन के लिए ओके नेक्स्ट हियर माइट माइट आई मेक अ सजेशन मीन्स क्या मैं कोई सजेशन कोई सुझाव दे सकता हूँ ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट माइट कि मे के पास टेंस के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं एंड टू एक्सप्रेस द लीस्ट पॉसिबिलिटी बहुत कम संभावना होती है तब हम माइट का, का यूज़ करते हैं एंड फॉर आस्किंग फॉर परमिशन वी ऑल्सो यूज माइट फॉर परमिशन के लिए भी हम माइट का यूज़ करते हैं नाउ आवर नेक्स्ट वन इज कुड कुड इज़ यूज एज द पास टेंस ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच जैसे श, श, विल का यूज़ हम विल की जगह पे वुड का यूज़ करते हैं शैल की जगह पे शुड का यूज़ करते हैं मे की जगह पे माइट का यूज़ करते हैं इन द इनडायरेक्ट स्पीच लाइक दैट ओनली कैन की जगह पे हम किसका यूज़ करते हैं कुड का यूज़ करते हैं इन द इनडायरेक्ट स्पीच सो लेट सी द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हियर इट इज गिवन द एग्जाम्पल ही सेड आई कैन फिनिश दिस टास्क इन अ डे

स्क इन अ डे मीन्स ये काम वो वो काम वो एक दिन में कर सकता है नेक्स्ट इज बी पॉइंट कुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट और कुड का यूज हम कहाँ पर करते हैं किसी भी एबिलिटी को बताने के लिए ठीक है कि इसकी इतनी क्षमता है सो वी यूज कुड इन दैट केस एग्जाम्पल आई कुड आई कुड डू दैट वर्क बट नो बडी गेव एनी चांस टू डू दैट मीन्स मैं वो काम कर सकता था लेकिन किसी ने मुझे चांस नहीं दिया उसे करने का ओके okay? सो so, ये पास टेंस की बात की जा रही कि मैं वो काम कर सकता था इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट आई कुड विन द रेस बट आई डेंट गेट एनी चांस मैं रेस जीत सकता था ओके okay? लेकिन मुझे किसी ने अवसर नहीं दिया किसी ने मुझे मौका नहीं दिया सो so, यहाँ पे पास्ट टेंस की बात की जा रही है ओके इफ आई एम सेइंग दैट आई कुड क्रैक द एग्जाम आई कुड क्रैक द एग्जाम मैं उस एग्जाम को मीन्स पास कर सकता था ठीक है बट बट आई कुड नॉट गिव इट ठीक है लेकिन मैं मैंने उसे नहीं दिया देन इन दिस सेंटेंस ऑल्सो ये बताया जा रहा है कि पास टेंस की बात बताई जा रही है कि मैं उस एग्जाम को क्रैक कर सकता था ओके लाइक दैट ओनली वी कैन यूज कुड टू एक्सप्रेस द एबिलिटी किसी की क्षमता के बारे में बात की जा रही है तो हम किसका यूज करते हैं कुड का यूज करते हैं बट बी यूज इट इन द पास टेंस ओनली नाओ नेक्स्ट वन इज द सी वन

क्या तुम थोड़े देर के लिए वेट कर सकते हो ओके सो इन दिस वे वी कैन यूज इट फॉर अ पोलाइट रिक्वेस्ट ऑल्सो कुड का यूज़ हम किसी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं सो हियर इन दिस इन दीज पॉइंट्स वी रेड दैट कुड इज़ यूज इन द पास्ट टेंस ऑफ कैन इन द इनडायरेक्ट स्पीच कैन के जगह पे हम कुड का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस के लिए इन द इनडायरेक्ट स्पीच और टू एक्सप्रेस द एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए पास टेंस में ठीक है और द लास्ट वन आई टोल्ड यू टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट वी यूज गुड